देशरे चलिछि विश्वर सर्वबृहत कोरोना टीकाकरण। मार्च पहिलारु वयस्कंकु मिलिबो कोरोना टीका। प्रस्तुत होइछि 10,000 स्वास्थ्य केन्द्र। केमिति करिबे भ्याक्सिन रजिस्ट्रेशन, कोन रहिछि सरकारक प्रस्तुति। भारतरे जारी रहिछि विश्वर सर्वबृहत कोरोना टीकाकरण, जहां वर्तमान द्वितीय पर्याय रे पहुंचिछि। मार्च पहिलारु देशरे वयस्क व्यक्ति अर्थात 60 वर्षरु ऊर्ध लोकमानंकु दियाजिबो कोरोना टीका। यास एकाधिक रोगरे चिकित्सित होतबा 45 वर्षरु अधिक वयस्क व्यक्तिंकु मध्य ए टीकाकरण रे शामिल करा जायछि, जाकुने समग्र भारत रे प्रस्तुत होइछि 10,000 टी स्वास्थ्य केन्द्र। ए पर्यायरे सरकारी और बेसरकारी मेडिकल को शामिल करा जायछि। सरकारी मेडिकल रे एही टीका मागणा दिया जाउथवा बळे बेसरकारी मेडिकल रे ए टीका पई अर्थ देबाकू पड़िबो, जहां आगामी दिन रे स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करिबो। एनी सूचना दिछंती केंद्र मंत्री प्रकाश जावडेकर। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। तबे आपण जानिछंती कि केमिति करिबे वैक्सीन पई पंजीकरण। प्रथम स्टेप, प्ले स्टोर रे को विन ऐप डाउनलोड करबा किबा www.cowin.gov.in वेबसाइट मध्यरे वयस्क व्यक्ति माने कोरोना टीका पई पंजीकरण करि परिबे, जहां केंद्र सरकारकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिचालित हेउछि। द्वितीय स्टेप, ए ऐप रे वयस्क व्यक्ति माने निजर आवश्यकीय कागज पत्र अपलोड करबा दरकार, जेउथिरे जने व्यक्ति निजर भोटर परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन कागज पत्र अपलोड करि परिबे। तृतीय स्टेप, ऐप रे ऑथेंटिकेशन पई जने व्यक्ति आधार कार्ड को निजर फोटो आईडी भाबरे व्यवहार करि परिबे। तबे आपणक कोविन अकाउंट आधार ऑथेंटिकेशन भाबे कार्य करिबो। केवल आधार ऑथेंटिकेशन नहि, जने व्यक्ति बायोमेट्रिक, ओटीपी, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करि परिबे, जहां वैक्सीन देबा समय मध्य कार्यकारी होइथाय। चतुर्थ स्टेप, परे उक्त व्यक्ति टीकाकरण पई आवेदन करि परिबे। यास ए ऐप रे 5टी मॉड्यूलेशन रहिछि, जेपर कि एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, वैक्सीन मॉड्यूल, बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल रहिछि। परे व्यक्ति जनक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल द्वारा वैक्सीन नेबा पई निवेदन करि परिबे। पंचम स्टेप, शेषरे जने व्यक्ति वैक्सीन पई आवेदन करबा परे रजिस्ट्रेशन करितबा मोबाइल नंबर रे टीका नेबा पई स्थान, तारीख ओ समयर मेसेज आसीबो। परे उक्त व्यक्ति जनक टीकाकरण केन्द्र रे टीका नै परिबे। तबे भारत रे चालुथबा विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण बेस सफलतार सह आगे चलिछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।